एंड हे व्हाट इज अप गाइस गाइस आप सभी लोगों का गाइस बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर FF गैंगस्टर YT। और गाइस कैसे हो आप सब लोग? गाइस अल्लाह के फसल मैं तो ठीक हूँ गाइस, आप सब भी ठीक ही होंगे। और गाइस आज की वीडियो गाइस एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है गाइस, मीन्स मेरे हिसाब से गाइस स्पेशल, तुम लोगों के हिसाब से पता नहीं स्पेशल है कि नहीं। गाइस आज हम जो करने वाले हैं ना गाइस, मेरे ख्याल से गाइस वो किसी ने क्या ही नहीं होगा उस गाइस, वो मेरे लेवल का यूट्यूबर है गाइस, मींस हम दो यूट्यूबर को उसके कुछ दिला शिकवा थी गाइस, आज मैं वो बयान करने आ रहा हूँ। और गाइस एक बात और गाइस, आप लोग है ना इसको ये मत समझना कि मैं उसको हेट दे रहा हूँ गाइस, मैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि गाइस मैं इसको ये चीज़ गाइस इसका मेरे को अच्छी नहीं लगी, ठीक है गाइस। गाइस उसके कुछ 1K+ सब्सक्राइबर है गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ अब उसकी जर्नी गाइस। वो बंदा जाता गया गाइस, उसने क्या करता है कि वो जब ट्रेंडिंग वाली वीडियो होती ना, हमें आज ये 12 बज गए, हमें FFC का ये कुछ क्यों नहीं मिला गाइस, उसकी वो के ऊपर उसके अच्छे व्यूज हैं ऐसे, इसलिए। तो गाइस अब मैं आप लोगों को गाइस उसके कुछ वीडियोज़ बताता हूँ, कुछ क्लिप्स का गाइस कुछ डिटेल बताऊँगा गाइस, कुछ थंबनेल बताऊँगा गाइस। उस तो उसके अंदर गाइस उसने क्लिप भी किया है गाइस, वो चलो गाइस उसने एक बार किया ठीक है गाइस, एक बार मैंने भी कहा था, मेरे को बहुत हिट मिला था, मैंने कहा चलो भाई ठीक है होता है, एक बार हो गया अब नहीं करेंगे गाइस। बंदा दूसरी बार भी करता है क्लिप भी, भाई चल तूने अब एक बार कर लिया तो समझ आ गया भाई, दूसरी बार करने का क्या है अब इसके अंदर, नहीं हम तो अखंड प्रो है। तो आओ अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे छोटे सेंटरों के बाद, अब हम मिलते हैं आप लोगों ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। और गाइस एक बात और गाइस, प्लीज़ गाइस यार क्या कर रहे हो गाइस, 1K गाइस जल्दी से करा दो गाइस, तो फिर हम भी गाइस आप लोगों के लिए गाइस अच्छे अच्छे वीडियोस और लाते रहेंगे। और गाइस 1K भी गाइस वीडियो इसी हफ्ते में आएगी गाइस, बने रहो हमारे साथ इसी तरह रहो ठीक है गाइस। और गाइस एक बात और गाइस, कुछ गाइस मीन्स समझो कि जुलाई के अंदर से गाइस, इफ मेरे पास गाइस मेरा समझ लो एक चीज़ आ गई, अब वो क्या आएगी तुम लोग समझ ही होगे। तो गाइस फिर वीडियोस गाइस समझो कि एक दो दिन छोड़ के आएगी, जैसे अभी एक वीडियो आएगी हमारी मंडे को, इन बल्ब फ्रस कहता हूँ, अगर मेरी मंडे को वीडियो आई और फिर उसके बाद आएगी हमारी वीडियो कुछ थर्सडे तक। तो गाइस क्योंकि गाइस एडिटिंग का थोड़ा प्रोसेस होता है तो गाइस इसलिए। तो गाइस व्हाट्सअप गाइस लेट्स गो टू आर एक्सपोज्ड ऑन, क्या बोलूँ यार, चलो आओ अब हम चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे छोटे सेंटर के बाद गाइस, अब हम मिलते हैं आप लोगों से कुछ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह हाफिज़। गाइस जब तक आप लोगों ने गाइस इंट्रो देखा तो गाइस तब तक गाइस मैंने गाइस अब गाइस मैं गाइस जो मैं इस गाइस जो चैनल का गाइस मैं करने वाला हूँ गाइस उसका नाम भी बता दे रहा हूँ गाइस, सुमर FF SARWAN FF। अगर आप लोग ये यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ऐसे एक बंदा आएगा उसके 1K+ सब्सक्राइबर है। तो गाइस आज हम उसको थोड़ा मीन्स आज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस अब बताने वाला हूँ गाइस, मैं पहले तो उसके गाइस दो क्लिप बताऊँगा ठीक है गाइस, गाइस फिर मैं उस क्लिप के ऊपर गाइस कुछ बातें करूँगा ठीक है गाइस, गाइस फिर उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को उसके कुछ थंबनेल्स बताऊँगा गाइस, फिर आप लोग बताएंगे गाइस मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे या नहीं। तो गाइस आओ अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके सारे पहले वीडियोस। वेलकम बैक टू द न्यू एंड इवन इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ सराउंड FF यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में तो हम लोग निकालने वाले हैं इस बैकपैक की स्किन को एंड उसके साथ हम लोग निकालेंगे ग्लूवल की स्किन को। सो उससे पहले हम लोग यहाँ पर रामदेव बाबा की ट्रिक को यूज कर लेते हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर फटाफट से कैरेक्टर वाले सेक्शन पे आते हैं एंड उसके साथ ही हम लोग एडम चाचा को ले लेते हैं यहाँ पर और उसको पूरा काला कर देते हैं। सो यहाँ पर मैंने पूरा काला कर दिया एडम चाचा को। सो अब हम लोग लेंगे गन स्किन्स, मतलब जो मैंने गन स्किन यहाँ पर इक्विप किया है
है स्कार वाला, उसको मैं हटा दूंगा। एंड यहाँ पर मैंने हटा दिया है स्कार का स्किन, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है एंड मेरे पास आ चुका है एडम चाचा। सो अभी मैं क्या करूंगा कि पेट को अनइक्विप कर दूंगा। सो हमारे पास अभी है यहाँ पर रोबो पेट, सो रोबो पेट को मैंने यहाँ पर अनइक्विप कर दिया। सो यहाँ पर अनइक्विप कर दिया, अब मैं चलूंगा स्पिन की तरफ। सो यहाँ पर मैंने इवेंट को ओपन किया एंड चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस 3, 2 एंड 1 चलिए गाइस फर्स्ट स्पिन करते हैं अपना। रुको जरा, सबर करो। सो गाइस मैं मजाक कर रहा था यार, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं निकालने वाला हूँ। मेरे पास 500 डायमंड तो है, मैं निकाल भी सकता हूँ। यहाँ पर बैकपैक मैं निकाल सकता हूँ बट यहाँ पर नहीं निकालूंगा बिकॉज हमारे 1K सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं एंड 1K सब्सक्राइबर पे मैंने प्रॉमिस किया है कि यहाँ पर 1DJ आलोक गिव अवे मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो 1DJ आलोक गिव अवे होने वाला है हमारे चैनल पे, तो फटाफट के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए यार। अरे भाई थैंक यू, भाई थैंक यू। अरे यार इसी बात पे पार्टी दे दो भाई। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बट आज मैं लाइक एंड सब्सक्राइब करने को नहीं भूलूंगा, बट आज आप लोगों को करना है कमेंट। जी हाँ गाइस, आप लोगों को कमेंट करना है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर न्यू कंटेंट ट्राई किया है। सो ये वीडियो आपको कैसे लगी है सभी के सभी चीजें आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बतानी है कि वीडियो कैसी लगी है। एंड अगर आप लोग पार्ट 2, 3 ऐसा कुछ चाहते हो तो यार प्लीज कमेंट कर देना यार, ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो कुछ भी। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू गेट द कैरेक्टर, मतलब कि कचरा सेट कैरेक्टर हम लोगों को फ्री फायर गेम के अंदर कैसे मिलेगा। सो यहाँ पर देख सकते हो एक मिशन दिया हुआ है हम लोगों को कि यहाँ पर हम लोगों को एनिमी को 150 का डैमेज देना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कचरा सेट का फेवरेट डायलॉग है 150 रुपया देगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को 150 का डैमेज देना है। तो मैंने 150 का डैमेज पिछले मैच में दे दिया था। सो अभी हम लोग फटाफट से इस कैरेक्टर को जो है क्लेम कर लेते हैं। सो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसे इक्विप कर लिया है एंड ये लॉबी में कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड अगर मैं इसको कैरेक्टर सेक्शन में ले जाऊँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है एंड ये क्या बोलता है मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार। एंड इसकी एबिलिटी को मैं पहले बता देता हूँ। सो यहाँ पर इसका नाम है कचरा सेट, गेम के अंदर इसका नाम है कचरा सेट एंड इसकी एबिलिटी का नाम है 150 रुपया देगा। जी हाँ गाइस, इसकी एबिलिटी का नाम है 150 रुपया देगा एंड इसकी एबिलिटी ये है कि आपको स्टोर में जितने भी आइटम्स देखने को मिलेंगे सभी के सभी 150 डायमंड्स में मिलेंगे बिकॉज यहाँ पर कचरा सेट का एक वसूल या फिर रूल या फिर वसूल कुछ भी बोलो आप, वो है कि यहाँ पर वो सभी चीजें के 150 रुपया ही देते हैं। सो वो 150 रुपया देने वाले हैं सभी के सभी चीजें का, तो स्टोर में जितने भी आइटम्स होंगे सभी के सभी चीजों का दाम यहाँ पर 150 रुपए हो जाएंगे, चाहे वो स्ट्रीट बॉय बंडल हो या फिर आलोक हो, सभी के सभी चीजें का दाम यहाँ पर 150 रुपया हो जाने वाला है। सो अभी मैं आप लोगों को साउंड सुना देता हूँ जो यहाँ पर ऑकर होती है यहाँ पर कैरेक्टर को लेने से, यानी कि कचरा सेट कौन सा आवाज निकलते हैं आप यहाँ पर सुन सकते हो। यहाँ पर साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनको कोई कचरा सेट ना बोले, इनको बोले गार्बेज मैन। इनको गार्बेज मैन का नाम दिया गया है गेम के अंदर, मतलब गेम के अंदर नाम इनका कचरा सेट है बट वो चाहते हैं कि पूरी वर्ल्ड उन्हें कचरा सेट के जगह गार्बेज मैन बुलाए। सो हम लोग भी नेक्स्ट वीडियो में इनको गार्बेज मैन ही बुलाएंगे, तो वीडियो पसंद आई तो गाइस आप लोगों ने देख लिया गाइस इसका ये पूरी वीडियो। तो गाइस अब मैं बताऊंगा आप लोगों को असल में गाइस मैं इसको ये क्यों करा। गाइस बनते के गाइस 1K सब्सक्राइबर तो हो गए, तो गाइस फिर गाइस बंदा क्लिप बिट करता है कि भाई कचरा सेट को गाइस वो इमेजिन करता है। तो गाइस इमेजिन, और गाइस अगर तुम लोग यूट्यूब पर सर्च करो कि भाई आज हम ये कैरेक्टर को इमेजिन करने आ रहे हैं, ये कैरेक्टर को इमेजिन कर, तो गाइस मींस ये सारी चीज़ें ना क्लिप बिट होती है। और गाइस ये जो इसने जो कैरेक्टर के ऊपर किया है ना गाइस, उसको तो आप सब लोग बचपन से ही जानते हो कि मींस गाइस बचपन से नहीं, जैस गाइस न्यू सारे वो है मीन्स जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया फ्री फायर, तो गाइस वो लोग जानते होंगे तो, और गाइस जो लोग पुराने तो गाइस वो लोग तो भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे गाइस मैं बहुत ही पुराना हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँगी इसने कौन से कैरेक्टर के ऊपर कचरा सेट डाला है और इसने इसकी एबिलिटी और ये इसने क्या क्या किया है। गाइस ये इसने लिया है आलोक, ठीक है गाइस। और गाइस ऐसे गाइस बहुत सारे ऐप फीचर्स है जिसकी वजह से आप जो उनके वो जो उसने वो होता है ना आलोक की एबिलिटी का पूरा उसने पूरा उसको चेंज कर दिया है, उसको उसने पूरा मिटा के जो उसने उसको पूरा गायब कर दिया, फिर जो उसके का बैक जो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है ना उसने उसको पूरे उसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। तो गाइस आप समझ गए होंगे आप लोग, तो गाइस उसने यही किया। तो फिर उसने क्या लिखा, इसको हम लोग बनाएंगे गार्बेज मैन, कचरा सेट नहीं गार्बेज मैन। और गाइस ये हमें 150 रुपये के अंदर सारी चीज़ें ला देगा। अबे साले कुछ तो खौफ कर साले, अबे तुम लोग क्या यार भाई, अगर ऐसा कोई सा कैरेक्टर आता ना फ्री फायर के अंदर बेटा समझो कि फिर तो
फ्री फायर नहीं रहती, फ्री फायर पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप के ऊपर चलती हो जाए अभी, ये फ्री फायर नहीं रहती बेटा फिर, ठीक है। और गाइस तो अब मैं गाइस आप लोगों को इसकी कुछ एक और गाइस नहीं पहले गाइस जैसे कि एक और क्लिप थी ना पहले क्लिप को गाइस हमने कुछ बात ही नहीं की भाई, पहले वाली क्लिप के भी मतलब बंदे ने क्या बोलूँ खूब क्लिपबेट किया है भाई। क्लिपबेट का मीन्स भाई तुम्हारे मीन्स थंबनेल कुछ और है ठीक है, और तुम वीडियो का कुछ और डाल रहे हो। जैसे एक बार मीन्स बहुत ही पहले की बात है, ये सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अज्जू भाई ने भी एक बार किया था क्लिपबेट, मीन्स वो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर करते थे जब उन जब कुछ उनके 7 या 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक थे ठीक है। तो वो क्या करते थे कि वो है ना नहीं 5 या 7 मिलियन तक सब्सक्राइबर थे, तो वो क्या करते थे कि जो उनका जो वो होता है ना क्या कहते हैं थंबनेल, वो लोग ग्रैंड मास्टर को पोस्ट करते होते थे। तो अज्जू भाई क्या करते थे कि अपने स्क्वाड को वो बुला लेते, फिर वो जो रैंक शो होता था ना अज्जू भाई उधर वो ग्रैंड मास्टर लगा देते थे, तो फिर वो क्लिपबिट हो गया ना एक तरीके से। बस ऐसे ही ये बंदा भी क्लिपबिट कर रहा है। अरे भाई मैंने भी कहा था एक बार क्लिपबिट, हाँ मैं मानता हूँ गाइस मैंने को उसके ऊपर इतना हेट मिला था, तो गाइस मैंने फिर कहा कि भाई अब क्लिपबिट नहीं करना, बस भाई बहुत हो गया, मेरे सब्सक्राइबर ना मेरी ठेस देंगे भाई। ये बंदा एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, तीन बार कर लिया, चार बार कर रहा है भाई क्या। गाइस अब मैं बताता हूँ आप लोगों को इसकी वीडियो नहीं अब इसके कुछ थंबनेल बताता हूँ ठीक है। गाइस आप लोग को पहले वो देखो बिल्कुल शांति से, फिर मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगा इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। आ जाओ गाइस, ये आप सब लोगों की गाइस स्क्रीन के ऊपर गाइस कुछ थंबनेल आ रहे हैं। गाइस पहला तो गाइस जो अक्टूबर था गाइस जो एलाइट पास है ना गाइस, ये वीडियो गाइस आप लोग इसकी खोल के देखोगे ना आपको इसके अंदर क्या देखेगा भाई, बंदा एक पिक्चर बताया उसके ऊपर कुछ आ ही नहीं रहा, वो कहता है कि ये इसका बंडल है शायद भाई, भैंस की पूंछ भाई तेरी, पूंछ तो आए तेरी उसके ऊपर कुछ आ ही नहीं रहा भाई, तेरी सिर्फ इमेज आ रही है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करे भाई, क्या देखे हम लोग उसके अंदर तेरा, क्या देखे अब इसके अंदर हम लोग तेरा। गाइस सुमर एफ गाइस बहुत बड़ा क्लिपबिट है गाइस, इसकी गाइस एक और वीडियो थी जो मैंने आप लोगों को बताया कि बांग्लादेश वाली गाइस, बांग्लादेश के अंदर भाई बंदा महा अखंड प्रो निकला, वो कहता है कि भाई अभी बांग्लादेश का सर्वर इसलिए नया है तो आप लोग ये आप लोग उसके अंदर मत जाओ, ये मत करो वो मत करो, भाई ऑडियंस की मर्जी, तू कौन था उनको बताने वाला भाई, कौन कहते थे कि बांग्लादेश का सर्वर शायद गाइस मेरे को कन्फर्म नहीं पता गाइस वो शायद न्यू है, तो भाई चल गाड़ियाँ उधर दे रहे कुछ अच्छी चीज़ तो टेढ़े को क्या हो रहा है जाने दे, टेढ़े क्यों उधर जल रही है भाई। भाई बांग्लादेश का सर्वर एक बात कह दूँ, अगर कभी पाकिस्तान इंडिया सर्वर का तुम मेरे साथ करोगे ना वर्सेस, मैं बताऊँ तुमको पाकिस्तान का सर्वर क्या है और इंडिया का सर्वर क्या है, तुम लोगों की ठेस क्या हाथ के अंदर आ जाएगी, फिर बोलोगे बेटा हाँ अब तुम लोग जाओ सब लोग पाकिस्तान के अंदर, फिर मैं बताऊँगा तुम लोगों को, भले हमारे यहाँ पे डायमंड्स थोड़े महंगे हैं बट हमारे इधर जो चीज़ें आती रहती है ना हर एक हफ्ते के अंदर हर एक इंक्यूबेटर पुराना वाला। गाइस अगर तुम लोग अब टाइम के तो बोलोगे ना भाई तो अपना कलेक्शन वर्सेस कर, मैं कहता हूँ गाइस मैं मेरे एक पाकिस्तान के बंदे के साथ करूँगा बस उसका, और गाइस मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों पर बताऊँगा कि जो मैंने अपने एलाइट से लिए डायमंड्स हैं वो भी अभी कुछ रीसेंट, और तुम लोग खुद ही शौक हो जाओगे कि भाई इतनी पुरानी चीज़ तेरे पास किधर से आ गई, समझ रहे हो ना। तो गाइस आज की वीडियो गाइस कुछ इतनी ही थी, तो गाइस अब आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लाइफ अब मिलते हैं नेक्स्ट। और गाइस एक बात और गाइस, इफ इस वीडियो के ऊपर गाइस 760 सब्सक्राइबर गाइस नहीं हुए ना गाइस मैं सीरियसली कराऊँ गाइस मैं यूट्यूब प्रोवाइड कर दूँगा गाइस को। गाइस मेरे को पहले जो सपोर्ट मिला था गाइस अब वो सपोर्ट ही नहीं मिला गाइस, अब मेरे पास गाइस कुछ दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है या यूट्यूब को क्वाइट कर दो या सबसे बेस्ट यूट्यूब पे ऑनलाइन होते रहो 16:30 भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो पढ़ाई होती है फिर मेरे पास वीडियो एडिटिंग होती है गेम खेल के उसको रिकॉर्ड करने को होता है गाइस, समझो गाइस अगर मेरी मंडे को गाइस वीडियो रिकॉर्ड हुई ना तो समझो गाइस ट्यूसडे वेडनेसडे के गाइस मेरी वीडियो एडिट होती है, और उसके अंदर गाइस जैसे वीडियो बन जाएगी मेरी पूरी उसको पूरी एडिटिंग कम्प्लीट होगी फिर जाएगा गाइस उसका थंबनेल निकल के हाथ में आएगा, उसकी थंबनेल निकल के आएगा तो गाइस फिर उसके बाद भी कुछ चीज़ें और रहती है गाइस, इसके पीछे गाइस बहुत लंबा प्रोसेस है
बस इसलिए गाइस आप लोग को बता दो गाइस अभी मैं मोबाइल से एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को अभी जो मेरे पास थी पीसी था मैंने उसको बेच दिया है, तो गाइस अभी थोड़ा मेरे को डिफिकल्टी होती है। वैसे ये गेम जो है, ये जो मेरा इसके अंदर गेम प्लान है गाइस, इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस मत करना, क्योंकि गाइस मेरा नेट बिल्कुल सही था, पता नहीं मोबाइल के अंदर क्या हो रहा था, उसकी स्क्रीन बाहर बंच हो जाती थी। अरे भाई, और गाइस इसके अंदर गाइस मैंने कोशिश तो की कि गाइस अच्छा करूँ गाइस, फिर भी गाइस मैंने हेडशॉट मारे बहुत सारे लोगों को। तो गाइस अब अभी के अल्लाह फिर सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, और गाइस जितना हो सके। और गाइस एक बात और, गाइस मेरा फ़ोन आएगा तो उनको गाइस एक कॉल ऐप आएगा मॉन्टेज वोल्फ के साथ, यूट्यूब पर सर्च कर लेना MONTAGE मॉन्टेज वोल्फ, ठीक है गाइस। मैं उसके साथ गाइस एक कॉल ऐप करूँगा, गाइस मीन्स वन वर्सेस वन होगा, उसके मेरे जितने सब्सक्राइबर है शायद मेरे से कुछ कम है, और गाइस ट्यूमर लाइफ उसके साथ तो गाइस सब कुछ सवाल ही नहीं बनता गाइस, क्योंकि मैंने उसकी ये वीडियो देखी ना मेरे दोस्त मीन्स मैंने मॉन्टेज भाई को पूछा, मॉन्टेज भाई क्या गैंगस्टर भाई आप कुछ करो यार इसका, मैंने कहा चलो देखते हैं, मीन्स मैंने मॉन्टेज भाई को तो नहीं बताती, एक दूसरा यूट्यूबर था, सॉरी मॉन्टेज भाई क्या नाम लिया, सॉरी एक दूसरा था मैंने उसको बताती, मैंने कहा चलो देखते हैं। और भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अपनी स्टोरी पे टैग करना सुमर FF को, उसका इंस्टाग्राम का नाम भी कुछ ऐसा ही है, तो लोग सर्च करोगे ना the_sumer_FF गाइस उसका एक आ जाएगा, ठीक है। और गाइस उसके चैनल का गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, गाइस देख लेना, उसको चैनल पे चेकआउट कर लेना। और गाइस प्लीज़ गाइस ये वीडियो गाइस उस तक पहुँचा देना, गाइस उसको टैग करो, गाइस उसको कॉमेंट के अंदर जाके टैग उसको कमेंट करो कि भाई ये देखिए बंदे ने तेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। और गाइस नेक्स्ट वीडियो हो सकती है गाइस शायद एक और गाइस, वो भी बहुत ट्रेंड हो रहा है उसके ऊपर होगी, तो गाइस शायद गाइस पहले एक बनर से रहेंगे भाई, फिर उसके बाद एक और एक्सपोज या रोस्ट होगी, ठीक है गाइस। और गाइस ये था गाइस, मैंने एक्सपोज कर दिया, मेरे को जो सही लगा गाइस मैंने वो बताया है। और भाई सुमर भाई अगर आपको कुछ बुरा लगा तो सॉरी भाई, क्योंकि गाइस मैंने कुछ हर्ट गाइस मैं कुछ हेट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि भाई मेरे को इसकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। भाई सुमर भाई अगर आप भी अब थोड़े आपके कुछ 1.2 के प्लस सब्सक्राइबर चाहिए, तो भाई अब आप भी थोड़ा सुधरो ना भाई, वरना फिर भाई ऐसे ना हो कि मेरी फिर सारी वीडियो आपके ऊपर आ जाए, भाई थोड़ा आप भी सुधर जाओ गाइस। मैं सोच रहा हूँ कि गाइस मैं भी गाइस स्कारलेट बन जाऊँ, बस मन हो रहा है बस अंदर से ऐसे ही खुजली हो रही है, ऐसे देखते हैं गाइस अब क्या होता है हमारा भी सीन। गाइस इस वीडियो के ऊपर गाइस प्लीज़ 1K व्यूज़ तो गाइस कर ही देना, बस इतनी मेहनत करता हूँ गाइस एक वीडियो बनाने के अंदर गाइस प्लीज़। और गाइस प्लीज़ सुमर FF को गाइस टैग कर देना, उसका इंस्टाग्राम का the_sumer_SARWN सरवान _FF गाइस उसका आ जाएगा, ठीक है। और गाइस प्लीज़ अल्लाह हाफिज़ अभी के लिए, बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सी यू सून। I hope you let me in, yeah.